छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की द्वारा स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन पहले ये घटना घटित हुई थी, जिसमें शुक्रवार की शाम पीड़िता ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतिका के पिता ने एक शिक्षक पर उसकी बेटी को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गठियोरा निवासी दौलत सिंह ने बताया कि उसकी पुत्री गुड्डन राजा चंद्रपुरा के स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। इसी दौरान स्कूल के एक शिक्षक द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा। जब दौलत को इस बात की जानकारी लगी तो उसने गुड्डन को स्कूल भेजना बंद कर दिया। इसके बाद शिक्षक ने स्कूल में पढ़ने वाले कमलेश पटेल, आयुष राजा और चाहत राजा के हाथ से एक मोबाइल गुड्डन तक पहुंचाया, जो कि उक्त तीनों ने गुड्डन की सहेली सोली राजा को दिया था। सोली राजा ने गुड्डन को मोबाइल देकर उससे बताया कि शिक्षक ने धमकी दी है कि यदि वह बात नहीं करेगी तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। गुड्डन ने 15 मार्च की शाम ये बात अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने मोबाइल उन्हीं लड़कों के पिता के माध्यम से शिक्षक तक वापस लौटा दिया। वहीं दूसरी ओर 16 मार्च को आत्मग्लानी के चलते गुड्डन ने अपने दूसरे मकान में जाकर आग लगा ली। घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल लाए, जहां 2 दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन शुक्रवार की शाम उसकी मौत हो गई। समस्या क्या हो गई, बच्ची ने आग ही लगा ली। कब आग लगाई, क्या से आग लगाई? 16 समस्या उसको पढ़ा भी आउट 1 साल पहले, पर साल बंद रहे कॉलेज में भेजू नहीं है, तो सर हाथी एक जने भी परेशान कर रहती थी। 9 में स्कूल में चंदपुरा की स्कूल में आती थी, तो एक जने सर ने सोली राजा और गुड्डन राजा दो ही आती थी, तो हमने गुड्डन को बंद करवा दिया पढ़ना, जब हमको मालूम चला कि ऐसी ऐसी बात है। फिर सर ने मोबाइल लड़कों लड़के भी आती थी वहाँ 4-5 और साथ में, उन लड़कों के यहाँ तक मोबाइल भिजवाए। नयन की आयुष, कमलेश का, राजबुंदीला, तो फिर क्या हुआ? फिर ये लोग मोबाइल ले गए, गुड्डन राजा को दिए, सोली को दिए इन लोगों ने, सोली राजा ने दिए गुड्डन को कि तुम सर से बात करो। और जी लड़के बोले अगर सर से बात नहीं करोगे तो हम लोग भी तुमको तुम्हारे पिताजी को बताएंगे, आग ही लगा देंगे, तुमको मार देंगे। तो दहशत में बिटिया ने आग ही लगा ली। कोई बिटिया के कोई प्रेम पसंद जबरदस्ती कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे उसको, हमको बताया आपने, तो हमने उन लोगों के पिता के पास गए सभी लोगों की कि तुम्हारे लड़के हमारी बच्ची को परेशान करते हैं, तो हम भगवान राजा लोग गए, भगवान राजा सोली राजा लोग से मोबाइल ले गए। इनने यूज जो मास्टर ने दाए थे नरेंद्र राजा को लड़का ले आओ, फिर नरेंद्र राजा के लड़का ने मास्टर लोग मोबाइल भिजवा दें, जब मोबाइल हमें मिल गए। थाने में शिकायत कर भी को मौका एक दिना को रहा, 16 तारीख की घटना रात में शाम के 15 हमने ये सब बातें उन्हें बताई, हमें 16 उसने सभी से आग लगा ली।